कुंदरा से निकलने के बाद में हम लोग वापस जैसलमेर पहुँचे। जैसलमेर में चेतन सर के फ्रेंड ने कहा कि फोर्ट के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं देखने लायक जो मैं तुम लोगों को घुमा दूँगा। तो हम लोगों ने उनके पास जाकर कार शिफ्ट करी। उनकी कार से वो लोग हमको पहले बड़ा बाग ले गए। बड़ा बाग मैंने अच्छे से शूट नहीं किया था, पर डिसेंट है, आप देख सकते हो वहाँ पर वेडिंग शूट काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद हम सीधे पहुंचे गांधी सागर लेक। किला तो सब लोग दिखाते ही हैं, मैं कुछ लोकल चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मतलब आपको यहाँ पर रुक हो या ज़्यादा टाइम हो आपके पास, ये सारी चीज़ें भी घूम सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी जोधपुर के बाद में, यहाँ पर ईंटों के घर नहीं देखने को मिले, सारे पत्थर के घर ही हैं। गांधी सागर तालाब छोटा है मगर बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर वाटर एक्टिविटीज चालू होती तो हम लोग पोर्ट से इन गुंबद के आसपास जरूर जाते, क्योंकि यहाँ से जो पिक्चर आती है ना बहुत ही शानदार आती है। मगर वाटर एक्टिविटीज बंद होने के कारण और थोड़ा टाइमिंग भी हमारा दोपहर में था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, बाहर से देख के रिटर्न हो गए। चलते हैं अब फोर्ट। गाइस किले पे पहुंच गए हम लोग। इस किले की सबसे खास बात यह है यहाँ आज भी लोग रहते हैं और व्यापार करते हैं, इसलिए इसे जीवित किला कहा जाता है। चमगादड़ों की सेना थोड़े से ऊपर आओगे। तीन हजार पब्लिक रहती है, 800 साल का। अच्छा इसमें मतलब बीच में भी कुछ नहीं जोड़ा है? गुड़। अच्छा अरे गजब, दही जमाने वाला पत्थर। मतलब महल के अंदर घुसने के बाद में ना ऐसा लग रहा भाऊ कि हाँ सिटी में घूम रहे, मतलब महल कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है। और फिर ऊपर से हीट ये है कि अंदर घुसने के बाद सिटी लग रही है और सिटी में घूमते टाइम महल दिख रहा है कि नहीं? पुरानी है दूर, वहाँ पर लेक दिख रहा है ना, वहाँ पर हम अभी थोड़ी देर पहले ही गए। व्यू पॉइंट पे आने के लिए आपको जैसे ही गेट पे आप घुसते हो वहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा, और लेफ्ट से थोड़ा ऊपर आते रहेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। और उसी के जस्ट सामने थोड़ी आगे जाएंगे एक छोटी तोप वाला व्यू पॉइंट मिलेगा, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बस मतलब जैसलमेर शहर का हर एक हिस्सा इस फोर्ट से दिखेगा, मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है। मेरे दोस्त लोग निकल चुके हैं, मुझे भी निकलना चाहिए। सब लोग निकल गए हैं, मैं थोड़ा सा दौड़ लगाता हूँ उनके पास पहुँचने के लिए। साला अब ऐसा लग रहा है ब्लॉगिंग करना ही गलत हो गया। किधर हैं अब ढूंढना पड़ेगा इन लोगों को। मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत पीछे रह गया।
अच्छा ढंका का, अच्छा ये ढंका ही है सब कुछ। ये वापस से फ्रंट गेट पे आ गए हम लोग, ये यहाँ से एंट्री की थी। यहाँ से आप लेफ्ट लेके दो व्यू पॉइंट देख सकते हो, और भी व्यू पॉइंट थे मगर दोस्तों ने डिसाइड करा कि नहीं अब वापस जाते हैं, तो हम लोग बोर्ड के बाहर जाने लगे। हाँ ये पीछे की साइड बाहर से जो खिड़कियाँ वगैरह दिख रही है ना, यहाँ पर सब घर है, आप वहाँ नहीं जा सकते, बस अंदर जो गलियाँ बनी हैं वो गलियों में घूमते रहो और दो तीन व्यू पॉइंट है आप वहाँ चले जाओ। और इन घरों में जाने का मौका आपको तभी मिलेगा जैसे मतलब कोई सी होटल हो यहाँ पर आपको रुक के कुछ खाना हो, या फिर जो शॉप हो उसमें आप जाओगे तो वहाँ से आपको बाहर देखने को मिलेगा। चलो हाय गाइस, जैसलमेर से खाना खा के हम बहुत देर पहले निकल चुके थे, पर मैंने रास्ते में को फ़ोन नहीं निकाला था, व्लॉगिंग नहीं थी, नहीं कि कारण ये था कि कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे हमारे साथ डेजर्ट का, थोड़ा पैसा हम लोगों ने जो इंक्लूड करा था किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, तो थोड़ा सा उसमें बिज़ी थे और मजाक मस्ती भी कर रहे थे, भैया को भाई बोल रहे थे, फ़ोन निकाला ही नहीं। और फिर अच्छा नहीं लगता ना कि दोस्तों को टाइम ना देके ज़्यादा मोबाइल को टाइम दे। जो जैसलमेर में हम लोगों ने जिस ढाबे पर खाना खाया था श्री जी करके था, वहाँ पर हमने सब्ज़ी खाई थी केयर सागरी, जो सब्ज़ी खाई थी केयर सागरी वो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। मतलब आप कभी भी राजस्थान आओ तो केयर सागरी ट्राई करना। अपन पनीर वगैरह सब कुछ तो खाते ही रहते हैं, आर्मी का स्टोर है वहाँ पर चिल्ड वाटर मिलता है, हम लोगों के पास कैन है तो उसमें पानी भरवाने के लिए हम लोग रुके हैं। बस यहाँ से जाते हैं जोधपुर, जोधपुर कल घूमेंगे जो बीच में हम लोग छोड़ा है थे, जोधपुर घूम के फिर घर जाएंगे, अभी के लिए बस इतना ही। जोधपुर के बाद एक गांव आता है अगोलाई, मतलब वो गांव कम से कम 20-25 किलोमीटर बाद में आता है, अगोलाई गांव के पास में ही, मतलब अगोलाई गांव का आप टर्न पार करेंगे पोखरण रोड पे जैसे ही आओगे, पोखरण रोड पे वहाँ पर अच्छा माँ नागना राय फैमिली रेस्टोरेंट है, काफ़ी खूबसूरत, और बताया था आपको उसका खाना भी काफ़ी अच्छा था। उसी के जस्ट साइड में ये दुकान है तलवार की, भैया मुकेश है, आप जब भी इस होटल के आसपास आओ तो भैया की पहली दुकान है, आप इनसे मिलिए जरूर, आप इनसे बात करेंगे और रेट पता करेंगे उससे ही पता चल जाएगा। इस लोहे पे उन्होंने मार के बताया कि कितनी कट रही है, कितनी पावर है तलवार, एक दो पीस आज नहीं है एक जैसी है। अच्छा लेकिन ये लोहे नहीं काटेगी। अच्छा ये लोहा नहीं काटेगी, दिखने में एक जैसी है, ये मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है, ये तलवार है ये ऐसे बैंड हो जाती है, वो बैंड नहीं होती है। तलवार का कुछ नाम है क्या ये जो इसका सीधी समुराई है? अच्छा अच्छा सीधी समुराई थोड़ा सा आड़ा ये सीधी समुराई फ्लैट समुराई सही है। अब लो खरीदने वाली बात करो फटाफट जो नॉर्मल वाली देख यार तुम तो आतिन साई के साथ में कौन रहता था मोटा लग रहा है ना मोटा और चेतन सर का विलन लग रहा है। हम लोग किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये है कि एक ठाट बाट एक शौकीन रखने वाला इंसान इनको घर में रख सकता है, इसका बिल रहता है, आप बिल जरूर ले जाइए। तलवार तो काफ़ी अच्छी लगी पर रखने का शौक नहीं है इसलिए बस देख रहा था, और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं एक कॉमेडी स्टाइल में। देखिए